Hello, my dear students, welcome. Today, the last topic of our chapter, pattern in whole number. You know, my dear students, there are some patterns, so we can make these patterns with the help of these numbers. So today we are going to learn to arrange whole number in elementary shape made up of dots. Dots se bane hue elementary shapes banane ke liye hum aaj dekhne wale hain. The shapes may be a line, rectangle, a square or a triangle. ये शेप क्या हो सकते हैं? लाइन भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है और ट्रेंगल भी हो सकता है. ओके, सो इसमें इनके अलावा कोई दूसरा शेप नहीं होना चाहिए. नो अदर शेप इज अलाउड. जैसे कि देखो, ये आपके सामने एक टेबल है जिसमें नंबर्स और पैटर्न्स बनाए हुए हैं. आपकी बुक में भी है, आप उसे देख सकते हैं. मीन्स वन को हम एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू को हम फोर टाइप से वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनली बता सकते हैं. थ्री को हम फोर टाइप से, इसमें भी थ्री डॉट वर्टिकल है, थ्री डॉट एक ट्रेंगल के रूप में जमे हैं, ये पूरा इस तरीके से चार तरीके से हम थ्री को भी जमा सकते हैं. फोर को हम डिनोट कर सकते हैं तीन तरीके से और फाइव को हम डिनोट कर सकते हैं दो तरीके से. नाउ फर्स्ट, रेक्टेंगुलर नंबर्स. किसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर नंबर? रेक्टेंगल क्या होते हैं? जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है. मीन्स द नंबर विच कैन बी स्प्लिट इंटू टू नंबर्स सच दैट बोथ द नंबर्स आर ग्रेटर देन वन आर कॉल्ड रेक्टेंगल. मतलब ऐसे नंबर जिसको हम स्प्लिट करें, दो भागों में तोड़ें, तो वो वन से ज़्यादा आना चाहिए. तो ऐसे किसी नंबर को जिसको दो भागों में तोड़ने पर एक से ज़्यादा आए, वो रेक्टेंगुलर नंबर्स होते हैं. सो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से कम होती है. तो ये बात अपनों को समझनी है कि रेक्टेंगल जिस तरीके से बनता है, जैसे उसका रो और कॉलम बनाएंगे तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा. तो नंबर ऑफ रोज जो है वो कॉलम से कम होना चाहिए. एग्जांपल लेते हैं, सिक्स इक्वल टू टू इंटू थ्री. तो यहाँ पर टू जो है वो रो है और थ्री जो है कॉलम है, उसको थ्री इंटू टू भी लिख सकते हैं. टेन को टू इंटू फाइव और फाइव इंटू टू लिख सकते हैं. ट्वेल्व को थ्री इंटू फोर और फोर इंटू थ्री, या फिर 2 इंटू सिक्स और 6 इंटू टू. इस तरीके से हम ये रेक्टेंगुलर नंबर को शो कर सकते हैं. सो दिस इज द रेक्टेंगुलर नंबर एंड वी कैन सी इन द बुक आल्सो. नाउ वी टॉक अबाउट स्क्वेयर नंबर्स. स्क्वेयर नंबर्स मतलब वर्ग में. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इट गिव्स अ स्क्वेयर नंबर. जब किसी नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो स्क्वेयर नंबर बनता है. नंबर ऑफ, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं. मतलब किसी नंबर का खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा वो स्क्वायर नंबर आएगा. तो उसमें क्या है, रोज और कॉलम दोनों सेम रहते हैं. एग्जांपल देखिए, वन इंटू वन वन, टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू थ्री नाइन, फोर इंटू फोर सिक्सटीन एंड सो ऑन. मतलब उतने ही नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज रहेंगे, इसलिए वो एक वर्ग बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा. तो ऐसे नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं. नाउ थर्ड जो है, ट्रेंगुलर नंबर. ट्रेंगल सभी ने देखा है, ट्रेंगुलर नंबर. सम नंबर्स कैन आल्सो बी अरेंज्ड एज ट्रेंगुलर. कुछ नंबर्स को हम ट्रेंगुलर के रूप में भी लिख सकते हैं. सो द साइड्स मस्ट बी इक्वल. अब ये जो ट्रेंगल बनेगा, इसके दोनों साइड्स, टू साइड्स मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, दो साइड इक्वल होना चाहिए. एंड राइट एंगल ट्रेंगल. राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री का, इसमें एक एंगल होना ही चाहिए. तो ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा जिसकी दो साइड इक्वल. कुल मिला के अपनों को एक ऐसा ट्रेंगल बनाना है जिसका एक एंगल राइट एंगल है और दो साइड उसके इक्वल है. द टॉप रो शुड ऑलवेज हैव वन. और ट्रेंगल ऐसा स्टार्ट होना चाहिए कि ऊपर जाते जाते ऊपर एक ही डॉट बचे. टॉप रो जो पहली रो है उसमें एक डॉट बचे. जैसे आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है बेटा आपको, जैसे फर्स्ट को कैसे लिखेंगे अपन एक डॉट से, थ्री को कैसे लिखेंगे टू डॉट बिल्कुल बॉटम में और वन डॉट ऊपर, सिक्स को कैसे लिखेंगे थ्री डॉट नीचे फिर दो डॉट फिर वन डॉट. तो हमेशा ऊपर जाते जाते सिंगल डॉट रह जाना चाहिए. इस तरीके से उसको स्टार्ट करना है. जैसे टेन को कैसे लिख रखा है, तो फोर डॉट थ्री डॉट टू डॉट और वन डॉट. तो बॉटम में फोर डॉट से स्टार्ट किया और अपर में कितना, वन डॉट. तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है वन, तो फर्स्ट है वन. सेकेंड ट्रेंगुलर नंबर क्या है, थ्री, जिसको वन प्लस टू लिख सकते हैं. थर्ड सिक्स को हम वन प्लस टू प्लस थ्री, टेन को वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर एंड सो ऑन. ऐसे 15 को भी लिख सकते हैं. ऐसे ही ये ट्रेंगुलर नंबर चलते हैं. नाउ सम पैटर्न्स ऑपरेशन ऑफ द होल नंबर्स. इसमें कुछ हम ऑपरेशन करेंगे इनके पैटर्न्स के थ्रू. फर्स्ट है एडिशन ऑफ द लार्जेस्ट वन टू और थ्री डिजिट नंबर. लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है, नाइन.
2 digit 99, 3 digit 999. सो एग्जाम्पल लेते हैं कि 345 में हमको 9 ऐड करना है, तो हम 345 में 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए सेकंड रो में 10 माइनस 1 भी 9 होता है, तो 345 प्लस 10 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस का 10 इधर प्लस हो जाएगा, तो 355 माइनस 1, तो ये इजी रहता है, आंसर आएगा 354। सेकंड एग्जांपल देखो, हियर 345 प्लस 99, सो इन सेकंड रो 345 प्लस 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1, सो प्लस 100 कर देंगे इसमें 345 में, तो 445 माइनस 1, तो ये इजी रहेगा, 445 माइनस 1 कितना रहेगा, 444, ये इजी है। थर्ड एग्जांपल देखो, 345 प्लस 999, तो 345 999 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1, सो 345 में 1000 ऐड कर लो, तो 1345 माइनस 1, इट्स इजी, सो वी गेट 1344। नाउ सब्सट्रैक्शन ऑफ द लार्जेस्ट 1, 2 और 3 डिजिट नंबर, अब जैसा एडिशन किया हमने उसी तरह सब्सट्रैक्शन भी करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, 1425 माइनस 9, सो इन सेकंड रो 1425 माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 1, बिकॉज दिस इज माइनस 10, सो माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 9, ओके, सो वी के माइनस 10 प्लस 1 बराबर माइनस 9 होता है, तो इसको माइनस 9 को हम क्या लिखेंगे, माइनस 10 प्लस 1, ओके, सो इन थर्ड रो 1415 प्लस 1, इट्स इजी, सो 1416 आवर आंसर। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, 1425 माइनस 99, सो माइनस 99 को माइनस 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये कितना इजी रहेगा कि 1325, तो माइनस 99 को माइनस 100 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 1325 प्लस 1 इजी है, सो 1326। इसी तरह यहाँ पर थर्ड एग्जांपल, 1425 माइनस 999, तो माइनस 999 को माइनस 1000 प्लस 1 करके बहुत ही इजी तरीके से ऐड कर लेंगे, तो ये 426 हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ थर्ड मल्टीप्लीकेशन बाय द लार्जेस्ट 1, 2, 3 डिजिट, सो इट्स इजी, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट एग्जांपल 193 into 9, सो 193 इंटू 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 10 माइनस 1, तो जैसा कि हमने देखा था कि जब ब्रैकेट में ये 10 माइनस 1 है, इसको सबसे पहले 193 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1930 माइनस 193 का माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 193, इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, वी कैन गेट, हमारा आंसर रहेगा 1737। सेकंड देखिए, 193 इंटू 99, यहाँ पर भी 99 को 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, काफ़ी इजी है। सेम उसी तरह थर्ड जो एग्जांपल है, 193 का 999 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 999 को हम क्या लिखेंगे, 1000 माइनस 1, सो इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये काफ़ी इजी है, ये ऑपरेशन करके हम हमारा मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं।